नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये रुख करते हैं खबर की ओर। जांजगीर चांपा जिला के अंतर्गत आने वाली नगर पंचायत नवागढ़ में आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज का 149वीं जयंती दिवस मनाया गया, जिसका मुख्य अतिथि के रूप में यूपी के राज्यसभा सांसद नर्मदा प्रसाद अहिवार उपस्थित थे तथा बताया जा रहा है कि जांजगीर चांपा विधानसभा सीट को जीतने के लिए पिछड़ा वर्ग ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बताया जा रहा है कि इस बार जांजगीर चांपा विधानसभा सीट को बहुजन समाज पार्टी जीतने का संकल्प लिया है तथा बहुजन समाज पार्टी 2023 की विधानसभा चुनाव को मद्देनजर देखते हुए बरसात में बारिश के मौसम में भी लोगों ने हिस्सा लिया और छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती को बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। के बारे में आज मैं इधर नवागढ़ जो आया था चांपा विधानसभा के अंतर्गत, तो छत्रपति शाहू जी कुर्मी महाराज, राजश्री छत्रपति शाहू जी कुर्मी महाराज का आज 149वीं जयंती है, जिसे हम लोग बहुजन समाज पार्टी ऑल इंडिया में मना रही है। पूरे छत्तीसगढ़ के भी कोने कोने में हर विधानसभा बार कार्यक्रम हो रहे हैं, तो उसी कड़ी में आज मुझे भी इधर पर मुख्य अतिथि के रूप में आया हुआ था। सर, जांजगीर चांपा विधानसभा में बसपा बार बार एक्सपेरिमेंट कर रही है, तो क्या इस बार यहाँ के कर्मठ नेताओं को खड़ा किया जाएगा? बहुजन समाज पार्टी कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा चुनाव जीतने के लिए अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारती है। पीछे भी हमेशा चुनाव को जीतने के लिए उस मैदान में उतारा था और इस बार भी हमारा जो भी कैंडिडेट होगा वो चांपा से चुनाव जीतने के लिए उतारा जाएगा। तो क्या इस बार भी कैंडिडेट कोई बाहरी होगा कि बसपा का कोई कर्मठ नेता होगा? बहुजन समाज पार्टी में जो लगे हुए वर्कर हैं उन्हीं में से बहुजन समाज पार्टी हमेशा चुनाव लड़ाती है और पीछे भी ऐसा किया है। सर, जांजगीर चांपा विधानसभा में इस बार किस वर्ग को महत्व दिया जाएगा? सर, बहुजन समाज पार्टी तो सभी वर्गों की पार्टी है। नहीं सर, सर्वजन समाज की पार्टी है, इसलिए सर्वजन समाज में जो भी उपयुक्त तो कैंडिडेट होगा वो चुनाव लड़ेगा। नहीं, टिकट के लिए 80 वर्ग का कोई पिछड़ा वर्ग को आजमाया जाएगा? सर, मैंने कहा ना आपको, बहुजन समाज पार्टी सर्वजन समाज की पार्टी है और सर्वजन समाज पार्टी सर्वजन समाज से जो उपयुक्त होगा वो चुनाव लड़ेगा। 2023-24 चुनाव को लेकर के बसपा की क्या नई रणनीति रहेगी? सर, बहुजन समाज पार्टी 2023 के लिए और 2024 के लिए बहुत गंभीरता से अपने जो है रणनीति में लगी हुई है और निश्चित रूप से 2023 में छत्तीसगढ़ में बेटर हमारी मर्जी से सरकार नहीं बनेगी और 24 में भी बहुजन समाज पार्टी से छत्तीसगढ़ से जो है सांसद जीत के जाएंगे। इस खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में नया भारत दर्पण समाचार के साथ।